उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के जन्मदिन के मौके पर भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बच्चों के बीच फलों को वितरण करते हुए शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम किया है। संजय जायसवाल ने लोगों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता होने को बेहद ही जरूरी बताया है। बच्चों ने रघुवर दास के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। भेजने के लिए उसको हम लोग उत्साहित करें। मैं शाम को निकलूंगा तो खुला भरोसा है, जनता भी उनके दीवाने हैं। जी, जो कि लोग पुरुष झारखंड के विकास पुरुष थे वो कितना वर्तमान में तो राज्यपाल हैं उड़ीसा के हैं। बहुत आराम से सबसे बात ले पकड़ बेटा उठा तो पीछे हटिए ना मोबाइल। आज किसका जन्मदिन है? आज रघुवर दास जी का जन्मदिन पर आप लोगों को भी उनका जन्मदिन की बधाई देना है ना। माननीय रघुवर दास जी का कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र दोनों रहा यहाँ। जमशेदपुर में उनका जन्म हुआ, हरिजन स्कूल में वह पढ़ाई किए और टाटा कंपनी में फोर्थ ग्रेड में लेबर का काम करते थे। समाज सेवा में उतरे और जनता के प्रति उनका प्यार स्नेह उनको बहुत ऊंचाई तक ले गया। राज्य के विभिन्न पदों से राज्य के मुख्यमंत्री बने और राज्य की जनता के लिए दिन रात काम किए। अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनके हम लोग जन्मदिन लगातार वर्षों से मनाते हैं। उनके जन्मदिन पर हमने सबसे पहले भोले बाबा के शरण में गया, भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की, उनकी लंबी आयु की कामना किया, वह स्वस्थ रहें आगे बढ़े ये कामना के साथ हमने पूजा अर्चना किया। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने केक काटा, केक काट के जन्मदिन मनाया और ज़रूरतमंदों के बीच फल वितरण किया और विभिन्न जगहों पर जाकर मैं फल वितरण करूंगा। और सलम बस्ती में जाकर जो बच्चे गरीब हैं स्कूल नहीं जाते हैं वैसे बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, कलम कॉपी किताब वितरण करूँगा और उनको जागृत करूँगा कि आप आधा रोटी खाएं लेकिन स्कूल जरूर जाएं। स्कूल जाने के लिए उनको उत्साहित करूंगा, प्रेरित करूंगा ताकि वो स्कूल जाएं और शिक्षित हो। ऐसे कामना के साथ हम लोग उनकी जन्मदिन मना रहे हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।